हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड व्यू और डिलीट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था और उसको टेस्ट किया था, जो कि सक्सेसफुली काम कर रही है। सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे फिल्टर। और मैं यहां पे बताता चलूं गाइस कि आज की इस वीडियो हमारी जो ये वीडियो होगी वो क्रट से रिलेटेड नहीं होगी, ना कि लेट्स से हम लोग कोई गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बट हम लोग यहां पे फिल्टर से रिलेटेड कार्ड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और उसका लुक एंड फील बेहतर बना रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा, ठीक है। सो उसको स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं एक इंपॉर्टेंट काम करना चाहता हूं, वो ये है कि अपने पास लारावेल TXT को अपडेट करना चाहता हूं आप लोग के साथ, ताकि क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफी सारी फंक्शनैलिटी को कवर कर लिया लेकिन हम लोगों ने उसको कंप्लीट मार्क नहीं किया था। सो मल्टी ऑथ को मैंने यहां पे कंप्लीट मार्क किया है, साथ में मिडलवेयर और साथ में अबाउट से रिलेटेड क्रट को, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड क्रट को और साथ ही फुटर सेक्शन को, ठीक है। उसके अलावा यहां पे कुछ फंक्शनैलिटीज बाकी हैं जिनको हम लोग देख रहे होंगे और साथ ही हम लोग और फंक्शनैलिटी काफी सारी इंप्लीमेंट कर चुके हैं जो यहां पे मेंशन नहीं है। सो फॉर नाउ दैट्स इट, मैं क्लोज कर लेता हूं। ओके, सो अब मूव करते हैं अपने टास्क की तरफ, जो कि है कार्ड को इंप्लीमेंट करना। उसके लिए गाइज मुझे चाहिए कार्ड, सो मैं कार्ड बूटस्ट्रैप सर्च करता हूं ताकि मैं टाइपिंग का टाइम सेव कर सकूं। सो यहां पे गाइज मुझे इस तरीके का कार्ड चाहिए क्योंकि मेरे जहन में एक आइडिया है कि जिसमें हेडर भी हो और फुटर भी। सो मैं उस कार्ड को ढूंढ रहा हूं यहां पर। इसमें जस्ट हेडर है, जस्ट राइट हियर कोड देख सकते हैं आप लोग। ओके, सिमिलर, ओके, जस्ट लाइक दिस। सो मुझे कुछ इस तरीके का कार्ड चाहिए जिसमें हेडर भी हो और फुटर भी हो। मैं फिर से बताता चलूं, मेरे जहन में आइडिया है, मैं उसको लेके चल रहा हूं आगे। ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं एक्सेस करता हूं सबलाइम को, रिसोर्सेस, व्यूज और फ्रंट एंड और ब्लॉक डॉट प्लेट, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी ब्लॉक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज यहां पे रो को मैं सेपरेट करता हूं ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल डिव्स हैं जिसमें हम लोग अपने ब्लॉक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और यहां से मैंने रो को सेपरेट कर लिया, ठीक है। ओके गाइज, अब यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे अलग से कुछ कॉलम्स चाहिए जिन पे मैं अपने कार्ड को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे मैंने बता दिया कि मुझे चाहिए तीन कॉलम्स, वंस अगेन यहां पे भी बता देते हैं तीन, ठीक है। सो तीन कॉलम और आठ टोटल हो जाते हैं 11, लेकिन हम लोग को 11 पे काम नहीं करना। लेट से इन एनी केस आप लोगों को राइट साइड पे भी कुछ इंप्लीमेंट करना है तो उसको भी जहन में रखेंगे हम लोग और उसकी वजह से हम लोग यहां पे अपने इन एट कॉलम्स को कन्वर्ट करेंगे टू 6-1, ठीक है। सो यहां पे हम लोग इसको 6 कर लेते हैं। ओके गाइज, अब इसी के साथ मैं यहां पे लेट से अपने कार्ड को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सो उसके लिए गाइज मैं यहां पे कार्ड को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ये रहा हमारा कार्ड इंप्लीमेंटेड, ठीक है गाइज। अब इसको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं फ्रंट एंड पे कि हम लोग कहां तक पहुंच गए। सो ये आप लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं गाइज। सो इसको अभी हम लोगों ने सही करना है। सो ये सही क्यों नहीं आ रहा गाइज, क्योंकि 3 और 6 और साथ में यहां पे लेट से अगर हम लोग 3 और डिव्स लगा लें, जस्ट लाइक दैट। मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कि अगर आप लोग यूज करना चाहें तो आप लोग के पास ये रेडी हो और आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। इन माय केस मैं इसको नहीं यूज करूंगा, सो मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो 3, 6 एंड 3, दैट इज 12 कॉलम और ये क्योंकि हम लोग कंटेनर यूज कर रहे हैं इस वजह से हमारे पास साइड से मार्जिन और पैडिंग गिवन है ज्यादा। सो गाइस, इसको फिक्स करने के लिए मैं यहां पे इस कंटेनर को चेंज, कंटेनर की क्लास को चेंज कर देता हूं टू कंटेनर फ्लूइड और इसको कर लेते हैं सेव। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो नाउ इट लुक्स बेटर और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा या मैं इसको रिमूव कर दूंगा। लेट्स से आपके केस में आप यहां पे कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। सो उसके लिए गाइज मैं यहां पे ये जो कार्ड से रिलेटेड डिव्स हैं इनको रिमूव कर देता हूं, लेकिन आपके पास ये मेन डिव मौजूद है जिसमें आप अपना काम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ओके गाइज, सो अब हम लोगों ने इस कार्ड को थोड़ा सा बेहतर बनाना है, इसका लुक एंड फील बेटर करना है और उससे पहले अगर आप यहां पे देखें तो मार्जिन भी गिवन है। उसके लिए गाइज मैं एक कस्टम CSS की फाइल को इंप्लीमेंट करूंगा। सो टाइम सेव करने की वजह से डायरेक्टली मूव करते हैं पब्लिक पे और यहां पे मैं जाता हूं फ्रंट एंड में CSS और यहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं custom.css, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे मैं क्लास बता रहा हूं MT custom margin top custom
ओके और इसमें मैं बता रहा हूँ मार्जिन टॉप से मुझे चाहिए लेट से 2 और लेट से 2.5 REM। हाँ ये क्योंकि ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सेट हो जाएगा। ओके जस्ट लाइक दैट। सो अब इस क्लास को यूज करने के लिए मुझे अपने पास इसको मास्टर फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो वापस से मूव करते हैं व्यूज में, फ्रंट एंड लेआउट मास्टर, और यहां से मैं स्टाइल को एग्जैक्टली कॉपी करता हूं और इसी के नीचे मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। इसको रीनेम कर लेते हैं कस्टम CSS, ठीक है, फ्रंट एंड से उठा रहे हैं। ओके गाइस, सो या अब हम लोग अगर अपनी क्लास को यहां पे इंप्लीमेंट करें जस्ट राइट हियर कार्ड पे, या मेरे लिहाज से ये सेट हो जाना चाहिए। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश, ठीक है। सो या गाइस, यहां पे मैंने बूटस्ट्रैप की कोई क्लास इस वजह से यूज नहीं करी क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा रेलेवेंट कुछ और नहीं मिलता शायद, तो इस वजह से मैं यहां पे कस्टम अप्रोच के साथ किया हूं, ठीक है। ओके गाइस, अगला काम हम लोगों ने ये करना है कि मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे कि हेडर और फुटर को मुझे थोड़ा सा डार्क डिस्प्ले करना है और इनका जो कलर है वो थोड़ा सा लेट से लाइट होगा, जैसे कि व्हाइट। सो उसके लिए भी एक क्लास बना लेते हैं, और क्योंकि मैं ये हेडर और फुटर दोनों के लिए यूज कर रहा हूंगा तो मैं इसका नाम करता हूं एस मीन साइड बार हेडर फुटर। सो इसको कलर दे देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड माइनस कलर, और इसका कलर होगा लेट से #333 जो कि ब्लैक से थोड़ा मिलता जुलता है और अच्छा लगता है, मैं काफी जगह पे ये यूज करता हूँ गाइस। और कलर हो जाएगा हमारे पास व्हाइट, ठीक है, और इसको भी इंपॉर्टेंट बता देते हैं। और लेट्स मूव टू फॉन्ट्स वेट लेट से 600% इंपॉर्टेंट, या सो अब इस क्लास को इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने पास हेडर और फुटर में गाइस। उसके लिए मैं यहां पे हेडर में इसको प्लेस कर देता हूं और टेक्स्ट म्यूटेड को रिमूव करके यहां पे भी ये प्लेस कर देता हूं। लेट्स डू अ रिफ्रेश, ओके गाइस, लुक्स बेटर। और इसी के साथ अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसकी वजह से, इस बॉर्डर की वजह से मैं यहां से इस बॉर्डर को रिमूव कर लेता हूं। सो जस्ट राइट हियर कार्ड पे मैं कर देता हूं लेट्स से बॉर्डर 0, ठीक है। अब ये क्लास मेरे पास मौजूद थी तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। ओके गाइस, सो या इट लुक्स बेटर। और यहां पे अब माइनर सी चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मुझे हेडिंग चाहिए अप्लाई फिल्टर की और साथ में फिल्टर का आइकन। सो फॉन्ट ऑसम को एक्सेस कर लेते हैं गाइस, और यहां पे फॉन्ट ऑसम ओपन हो जाए तो मैं यहां पे सर्च करता हूं फिल्टर, ठीक है, फिल्टर, और फिल्टर से रिलेटेड मुझे ये वाला आइकन चाहिए। सो मेरा नेटवर्क शायद स्लो चल रहा है, खैर। सो कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। लेट्स प्रीव्यू, ओके, सो या लुक्स बेटर। सो गाइस, अब मूव करते हैं हमारी मेन हेडिंग की तरफ। सो इसको मैं कर देता हूं सर्च ब्लॉग, ठीक है, और ये इसको कर देते हैं H4 में ताकि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए हमारी हेडिंग, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और कार्ड टैग्स, यहां पे मैं P का टैग यूज नहीं करूंगा, ना ही मैं एंकर यूज करूंगा, सो मैं इन दोनों को रिमूव कर लेता हूं जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, या सो यहां पे अब मैं एक रो बना लेता हूं, डेव क्लास रो, ठीक है, और उसके अंदर लेट से मैं बना लेता हूं 12 कॉलम्स, डेव क्लास कॉल माइनस SM माइनस 12, और लेट से कॉल माइनस MD माइनस 12, मीडियम पे भी 12 रहना चाहिए, और MX ऑटो जस्ट लाइक दैट। सो आई थिंक मैंने इस डिव को क्लोज किया है, यस एग्जैक्टली, नोप, सो या इसको क्लोज कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। अब ये कोड सही हो जाए बिल्कुल, ठीक है गाइस। सो यहां पे अब हम इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्म अपने पास, फॉर्म, और फॉर्म पे मैं कुछ जैसे कि एक्शन इंप्लीमेंट कर देता हूं, और इसको अभी एम्प्टी रहने देंगे, मेथड, और साथ में क्लास हो जाएगी जो कि होगी फॉर्म ग्रुप, ठीक है। और फॉर्म को नीचे लाके मैं यहाँ पे CSRF भी अभी से बता देता हूँ। उसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पे इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे लेट से नेम हो जाएगा इसका नेम सर्च, और इसकी जो ID होगी वो भी सर्च हो जाएगी, और क्लास लगा लेते हैं फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग एक और एस एम स्मॉल आइटम ले रहे होंगे, स्मॉल क्लास एस एम सॉरी डेंजर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एरर दिखा रहे होंगे, ठीक है गाइस। उसके अलावा एक बटन ले लेते हैं, बटन टाइप सबमिट और लेट्स से क्लास btn btn माइनस डेंजर btn माइनस लॉक, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सर्च बटन पे जो डिस्प्ले कराएंगे, और इसके साथ सर्च का आइकन जो कि मैं फिल्टर की तरह यूज कर सकता हूँ, सो फिल्टर को चेंज कर देते हैं सर्च में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एफ ए फिल्टर की जगह सर्च। ओके गाइस लेट्स प्रीव्यू। ओके या लुक्स बेटर, लेकिन कुछ माइनर सी चेंजेस हैं, जैसे कि इस बटन को मुझे थोड़ा सा राउंडेड करना है और थोड़ी मार्जिन अप्लाई करनी है, सो उसके लिए मैं करता हूँ गाइज यहाँ पे राउंडेड की क्लास इम्प्लीमेंट, ठीक है, ताकि बटन राउंड हो जाए हमारे पास। और दो क्लासेस एम्प्टी मार्जिन टॉप लेट से 2 और MB2 मार्जिन बॉटम 2, और सिमिलर क्लासेस गाइज मैं इसके लिए भी यूज कर रहा हूँ डेंजर के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे मुझसे शायद एक मिस्टेक हो गई है, दैट्स इट, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ गाइज, सो यहाँ पे भी हम लोग इसको सही कर लेते हैं। ओके एक दफा वापस देख लेते हैं गाइज। ओके लुक्स परफेक्ट। और इसी के साथ या गाइज हमारी ये जो पहली जो डिव है, जो हमारा पहला पोर्शन होगा हमारे इस कार्ड का, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कार्ड बॉडी ये रही हमारे पास, और इसमें जो पहला पोर्शन है वो ये रहा, ठीक है गाइज। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, और उसके अलावा गाइज मैं यहां पे इसको रिमूव कर दूं ताकि इसका लुक एंड फील और बेटर हो जाए। यस नाइस। सो अब यहां पे गाइज मैं जैसे ही मेरे पास ये डिव कंप्लीट हो रही है H4 रो की डिव लेट से, सो यहां पे गाइज मैं इंप्लीमेंट करता हूं HR जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे कार्ड बॉडी के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं ताकि हम लोगों को रीड करने में आसानी हो गाइज, ठीक है। और सॉरी 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 यस जस्ट लाइक दैट, या आई थॉट मैंने कोई मिस्टेक करी है, सॉरी गाइज। लेट्स डू अ रिफ्रेश, यहां पर हमारे पास HR आ जाना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। सो अब मैं इसी को कॉपी कर सकता हूं गाइज, ठीक है, और इस HR के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं जस्ट लाइक दैट। और इसमें हम लोग रेलिवेंट चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि सेकंड जो हमारा होगा वो होगा रिलेटेड टू लेट्स से बाय कैटेगरी, क्योंकि फिल्टर हम लोगों ने हेडिंग दी हुई है बाय कैटेगरीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैटेगरीज के रिस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे हम लोग को फॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बना रहे होंगे लिंक्स, सो या सो यहाँ पे लेट्स से हम लोग यूज कर लेते हैं H4, और उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं एक एंकर का टैग, और एंकर को लेट्स से कुछ क्लासेस असाइन कर सकते हैं, इन दिस केस हमें या हम लोग वही वाली क्लासेस यूज कर सकते हैं MT MB, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, ठीक है। और यहां पे गाइस लेट्स से मैं कर देता हूं इसको फर्स्ट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, फिर यहां पे थोड़ा सा डमी डाटा भी बना लेते हैं। ओके सो फर्स्ट एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। और इसी की तरह मैं बाकी भी क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ डमी बना रहे हैं ना गाइस, सो यहां पे हम लोग बाकी रैंडम डाटा भी बना देते हैं, मतलब हार्ड कोडेड सेकंड और यहां पे थर्ड कैटेगरी, यहां पे कैटेगरी शो रही होंगी गाइस, ठीक है। ओके सो फोर्थ वन जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके सो जब भी मैं इस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूंगा तो हम लोग वापस से इस ब्लॉक पेज पे आ रहे होंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होंगे कैटेगरीज से रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉक्स। सो कैटेगरीज भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर ली हैं, अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन हम लोगों ने याद रखिएगा कार्ड के ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर की क्लास लगाई हुई है, तो टेक्स्ट इस वजह से सेंटर है। ओके गाइज सो इसको हम लोग थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेट्स से अगर आप इस पे थोड़ा सा लेट्स से 5 चाहते हैं, क्योंकि H4 अगर बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, सो यहां पे 5 कर दीजिए, इसको भी ट्राई कर लेते हैं गाइस। मुझे भी थोड़ा सा हैवी फील हुआ है, मतलब फॉन्ट वेट कुछ ज्यादा है, सो H5 अगर हम यूज करें, क्योंकि हमारी थीम के साथ ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड आई है, इसमें चेंजेस हुई हुए, या इट लुक्स वे बेटर, सो यस गाइस ये ठीक है। ओके गाइस सो इसी के साथ गाइस हम लोग वापस से एक अपने पास HR इंप्लीमेंट करते हैं यहां पे, और मैं इस H4 को कॉपी कर लेता हूं गाइस वंस अगेन, और यहां पे HR के नीचे इसको वापस से पेस्ट कर देता हूं,
और बड़े ख्याल से काम करना है गाइज आप लोगों ने, एक देव आप कंप्लीट कर लें फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा बाय टैग्स। ठीक है, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सो ये आ गए हमारे पास टैग्स, टैग्स पे क्लिक करेंगे तो टैग्स से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं वो आ जाएंगे और यहां पे हम लोग सर्च की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहां पे जस्ट अपना एरर भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं, और एरर डिस्प्ले करने के लिए मैं यहां पे जस्ट रैंडम टेक्स्ट एंटर करूंगा स्मॉल में। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, इट्स परफेक्ट। सो यस गाइस, ठीक है, सो ये ठीक काम कर रहा है और यही था टास्क हमारी आज की वीडियो का। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग्स के आइटम्स को भी बढ़ा रहे होंगे ताकि इससे एक्सपेंड करो, और थ्री उस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड नहीं थे इस वजह से हम लोग जस्ट थ्री रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे। ठीक है गाइज, इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे, पेजनेशन को नहीं पर पेज रिकॉर्ड्स को। ठीक है, सो या दैट्स इट। और इसको एक दफा स्मॉल विंडो में भी व्यू कर लेते हैं, और उसके लिए लेट्स सी, या मोबाइल व्यू पे ही था मैं। सो मोबाइल व्यू पे हमारा कुछ फिल्टर इस तरीके से आएगा, सो इट्स परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का गाइस यहाँ पे टास्क ये नहीं है कि हम लोग सीएसएस इंप्लीमेंट करें, क्योंकि अगर आपके पास कोई फ्रंट एंड डेवलपर होगा तो वो एक अच्छा सा फिल्टर आपको वैसे ही इंप्लीमेंट करके देगा जो कि लेट से इस मेन्यू की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे टास्क वो नहीं है, मेरा टास्क जो है गाइज वो ये है कि आप लोग को फंक्शनैलिटी सिखाऊं कि फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी। लेकिन अगर मेरे पास ये कोड होगा ही नहीं कुछ भी, तो मैं आप लोग को करके कैसे दिखाऊंगा काम। सो इस वजह से गाइज ये जरूरी था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटेगरी से रिलेटेड, और जस्ट इन केस कुछ इशू हो तो हम लोग उसको डिबग करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइज बी रेडी। ओके, टेक केयर।